अलीगढ़ में एक मां ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जिनके जन्म से ही दोनों बच्चों का शरीर जुड़ा हुआ है। बच्चों के दो दो सिर समेत ढाई पैर मौजूद हैं। बच्चों की हालत को देखते हुए उनकी सर्जरी के लिए अलीगढ़ के हायर सेंटर जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ईश्वर की माया ही निराली है। किसी को ऐसी काया देता है कि वह अपने रंग रूप पर इतराता है, तो ईश्वर किसी को ऐसी भी काया देता है कि वह काया उसके लिए अभिशाप बन जाती है। ऐसा ही एक मामला थाना टप्पल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक महिला ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान दो धड़ वाले ऐसे विचित्र बच्चे को जन्म दिया है जिसके दो सिर, दो मुंह, चार हाथ और ढाई पैर हैं। डॉक्टर के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चे की हालत को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित कर हायर सेंटर जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए जच्चा बच्चा दोनों को रेफर कर दिया गया है। बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा कॉन्जेनिटल डिफॉर्म है, दो सिर है और जुड़े हुए हैं। आप जो बच्चा अभी डिलीवरी के बाद अभी तक स्वस्थ है, जिसको सूचना हमें जिले पे दे दी गई है और अब बच्चे को रेफर किया जा रहा है हायर सेंटर के लिए। आगे इस बच्चे की क्या सर्जरी कोई उपलब्ध हो पाएगी या और क्या कर सकते हैं, उसके लिए ओपिनियन के लिए हमने अभी अलीगढ़ रेफर किया है। दरअसल टप्पल के मोहल्ला गंज कस्बा निवासी सगीर की पत्नी शमा को डिलीवरी के लिए कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। शमा की यह दूसरी डिलीवरी थी। शमा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी पहली डिलीवरी बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह पहला मामला है। बच्चे को देखने के लिए पहुंचने वाले लोग इसे ईश्वर का करिश्मा मान रहे हैं। अजय कुमार, जनमत न्यूज, अलीगढ़।